आगे बढ़ेंगे, एक दो नहीं बल्कि सात दौर की बातचीत, सब की सब फेल। चीन की बदनीयती के बाद भी आज उसके साथ एलएसी पर टेंशन खत्म करने के लिए आठवें दौर की बातचीत जारी है। वजह यह कि गतिरोध खत्म करने के लिए सात बार कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा रही, फिर भी भारत ने शांति और सद्भाव का प्रयास नहीं छोड़ा है और चीन हर बार दगाबाजी कर रहा है। आज फिर कमांडर स्तर की बातचीत हो रही है। आठवें दौर की ये बातचीत किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी, इस उम्मीद के साथ। चुशूल में कोर कमांडर स्तर की आज आठवीं बैठक, कमांडर पीजीके मेनन करेंगे बैठक की अगुवाई। बैठक में विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। हालांकि भारत का रुख पहले दिन से ही साफ है। हर बैठक में चीन को इसी बारे में बताया भी जाता है कि चीन को अपनी सेना को अप्रैल वाली स्थिति में जाना ही होगा। यानी भारत का रुख साफ है, एलएसी से पीछे हटे चीन। 29 और 30 अगस्त को पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर भारतीय सेना के हाथों न सिर्फ पिटने बल्कि कई महत्वपूर्ण चोटियों पर भारत के कब्जे से अब बैकफुट पर है। अड़ियल चीन अब भी इसी बात पर अटका है कि जब तक भारतीय सेना पैंगोंग के दक्षिण इलाके से पूरी तरह से नहीं हटती, तब तक पैंगोंग के फिंगर इलाके में किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं होगी। सूत्रों की माने तो चीन की तरफ से एक प्रपोजल भारतीय सेना को भी दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पैंगोंग के फिंगर एरिया में चीन फिंगर 5 तक रहेगा और वो फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करेगा। भारत की सेना फिंगर 3 पर रहेगी और वो सिर्फ फिंगर 4 की पेट्रोलिंग करेगी। यानी चीन के इस प्रपोजल के मुताबिक फिंगर 4 को वो कब्जाए हुए अक्साई चीन का हिस्सा बनाना चाहता है। एलएसी पर सर्दी बढ़ती जा रही है, बर्फ की चादरें बिस्ती जा रही हैं, तापमान शून्य से नीचे लुढ़कता जा रहा है। चीनी सैनिकों के दांत कटकटा रहे हैं, लेकिन जिनपिंग के दिमाग का पारा आसमान चढ़ता जा रहा है, या यूं कहें कि चीन का दिमाग ठिकाने नहीं है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।